hello and welcome to all of you in my channel blue chip finance uh, uh, this video is a sequence of previous video in which we discussed about the cash flows uh, and the chapter name is using discounted cash flow analysis to make investment decisions uh, in this video we will discuss about different questions and these questions are related to uh, the book uh, corporate finance fundamentals of corporate finance by braley myers and rose uh, so in first question a project which costs uh, 53 million and depreciation is 12 million in the year uh, this project will generate the sales of 83 million and calculate the cash flow for the year by बाई यूजिंग ऑल थ्री मैथड्स टैक्स रेट इज फोटी परसेंट तो सबसे पहले तो डेटा है जी इसके अंदर के जो आपकी कॉस्ट है वो आ जाती है 53 थ्री मिलियन और जो डेप्रिसशन है वो 12 मिलियन है पर ईयर और जो रेवेन्यूज़ हैं वो है 83 थ्री मिलियन और आपने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो तीन मेथड्स जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्कस किए थे आ, उन तीनों के मुताबिक कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना है और टैक्स रेट है फोर्टी परसेंट और सबसे पहले आ, उस वीडियो के अंदर भी मैंने जो सेकंड मेथड था उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया था क्योंकि उसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी हैं कि जो यहाँ पे आपको बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं तो जो सेकंड मेथड है उसके मुताबिक सबसे पहले आप लेते हैं रेवेन्यूज़ जो कि रेवेन्यूज़ हैं एटी थ्री मिलियन उसके बाद आप जो जितनी कॉस्ट है उसकी उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि फिफ्टी थ्री मिलियन है सो एटी थ्री माइनस फिफ्टी थ्री तीसरे नंबर पे आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जो कि ट्वेल्व मिलियन है और ये सबट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आ जाता है उसके ऊपर आप टैक्स अप्लाई करते हैं फोर्टी परसेंट और वो डिडक्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके अंदर दोबारा से ये डेप्रिसिएशन ऐड कर दी जाती है क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हम सब इस वजह से करते हैं कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता तो ये है जी सेल्स 83 लेस कॉस्ट 53 मिलियन और लेस डेप्रिसिएशन टेन मिलियन सॉरी यहां पे डेप्रिसिएशन इसकी टेन uh, मिलियन दी गई है तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर होगी टेन मिलियन और ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपके पास वो आ गया ट्वेंटी मिलियन और उसके ऊपर 40 परसेंट टैक्स अप्लाई होगा जो कि 8 मिलियन है तो ये फाइनली इस 20 में से 8 माइनस हो गया और बाकी आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 12 मिलियन और इसमें डेप्रिसिएशन को दोबारा ऐड कर लें 10 और ये आपका आ गया ऑपरेटिंग कैश फ्लो अब हम आते हैं फार्मूला नंबर वन जो कि बराबर है रेवेन्यूज माइनस कैश एक्सपेंसिस तो रेवेन्यू आपका आ गया एटी मिलियन कैश एक्सपेंसिस फिफ्टी मिलियन और माइनस टैक्सेस तो टैक्सेस आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं एट मिलियन है तो ये माइनस करेंगे तो इट विल आल्सो बी ट्वेंटी टू मिलियन इसके बाद हम चलते हैं जी फार्मूला नंबर थ्री के ऊपर जो कि बराबर है रेवेन्यू माइनस कैश एक्सपेंसेस रेवेन्यूज हैं आपकी एटी थ्री मिलियन कैश एक्सपेंसिस फिफ्टी थ्री मिलियन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टैक्स रेट टैक्स रेट है फोर्टी परसेंट तो वन माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो प्लस डेप्रिसिएशन जो कि आपकी टेन मिलियन

And accounts payables are 14,500. And at the end of the year, account receivables are 23,000, inventory 12,500, and accounts payable are 16,500. Now what is the question? What was the change in net working capital during the year? And if sales were 36,000 and costs were for 24,000, what was cash flow for the year ignore taxes? यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल बिगनिंग का और एंड का नेट वर्किंग कैपिटल हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंटरी ये दोनों आपके करंट एसेट्स हैं और अकाउंट्स पेबल जो है ये आपका करंट लाइबिलिटी है तो सबसे पहले हमने बिगनिंग का कैलकुलेट किया ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड माइनस फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल्स टू ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद हमने दोबारा से नेटवर्किंग कैपिटल हमने इसका कैलकुलेट किया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस 16,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये नेटवर्किंग कैपिटल आप देखें कि ये हो गया कम साल के शुरू में Uh, it was 21500, but at the end of the year it was only 19,000. So uh, there is a decrease of 2500. So networking capital to change change in network delta means change. So change in networking capital is minus 2500. Now we come to the second uh, question. if sales were 36000 and cost were 24000 what was cash flow for the year ignore taxes kabhi bhi aapko कभी भी आपको इस working capital, नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको पूछा जाए कि कैश फ्लो कैलकुलेट करें तो याद रखें कि पहले तो सिंपल सी बात है कि कैश फ्लो के अंदर हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेवेन्यूज में से कॉस्ट को माइनस करें तो रेवेन्यूज हैं थर्टी सिक्स और कॉस्ट है ट्वेंटी अब यहां पे एक बात को माइंड में रखें कि अगर आपके पास चेंज जो है नेटवर्किंग कैपिटल की अगर वो माइनस है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी और अगर ये प्लस है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी तो चूंकि यहां पे जो चेंज है वो माइनस है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी तो थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इक्वल्स टू फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपका जो कैश फ्लो है

शो दैट यू गेट द सेम आंसर यूजिंग ऑल थ्री मैथड्स टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो वंस अगेन आई विल यूज सेकेंड मैथड फर्स्ट तो सबसे पहले आपका जो रेवन्यू है वो आप देखेंगे वो सेवन मिलियन है और उसमें से जो कॉस्ट है वो देखें फोर मिलियन है तो सेवन मिलियन माइनस फोर मिलियन और जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो है वन मिलियन तो सेवन मिलियन माइनस फोर मिलियन माइनस वन मिलियन and 7 minus 4 minus 1 equals to 2 million profit before tax now we will apply 35% uh, tax rate and 35% tax rate on 2 million uh, will be 0 0.7 million so 2 million minus 0 0.7 that will be your profit after tax 1.3 and once again uh, add this depreciation into profit after tax and your operating cash flow will be two point three million. First formula is equals to revenue minus cash expenses minus taxes. Revenues are seven million, uh, cash expenses are four million, and minus taxes. Taxes are zero point seven million. So uh, result is same two point three million. And now we move to the third formula. Uh, which is equals to revenue minus cash expenses. Revenues are seven million. Cash expenses are four million. Multiply by one minus tax rate. Tax rate is thirty-five uh, percent. Here, uh, it is not forty percent. It is thirty-five percent. So uh, tax rate is thirty-five percent so 1 minus 0 0.35 plus depreciation depreciation is 1 million uh, multiplied by tax rate multiplied by 0 0.35 and your answer will be same 2.3 million after that uh, we will move to the uh, example number 4 uh, in which it is asked that quick computing currently sells 10 million computer chips each year at a price of $20 per chip के कोई क्विक uh, कंप्यूटिंग नाम से कोई कंपनी है जो कि कंप्यूटर चिप्स का बिजनेस करती है और वो हर साल टेन मिलियन चिप्स जो है वो सेल करती डॉलर पर चिप के रेट के ऊपर इट इज अबाउट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू चिप अब वो एक नई चिप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एंड इट फॉर कॉस्ट एनुअल सेल्स ऑफ ट्वेल्व मिलियन और उन्होंने फोरकास्ट की कि ये जो न्यू चिप है ये इसकी सेल होगी ट्वेल्व मिलियन ऑफ दीज इम्प्रूव चिप्स जो कि पहले से बेहतर हैं एट अ प्राइस ऑफ ट्वेंटी फाइव और उसकी प्राइस होगी ट्वेंटी फाइव इंच एवर डिमांड फॉर द ओल्ड चिप विल डिक्रीज इस नई चिप के आने से जो पुरानी चिप्स हैं उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी

सेल होती थी उनकी जो प्राइस है पर यूनिट वो ट्वेंटी चिप थी ओल्ड चिप कॉस्ट उसकी सिक्स पर यूनिट थी और जो न्यू फॉरकास्टेड जो चिप्स है उनकी जो सेल है ट्वेल्व मिलियन इनकी जो प्राइस है वो ट्वेंटी फाइव पर चिप है और जो न्यू चिप की जो कॉस्ट है वो है एट डॉलर अब हम सबसे पहले चूंकि बेचनी है नई और जो फॉरकास्टेड है उसके बारे में हम उसका कैश फ्लो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो रेवेन्यूज़ सबसे पहले माइंड में ले आए कि रेवेन्यूज माइनस कैश एक्सपेंसेस तो रेवेन्यूज़ जो नई चिपके हैं आ, वो आप देखें कि 12 मिलियन है और कॉस्ट uh, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 25 तो 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाइट ट्वेंटी फाइव टू थ्री मिलियन यानी नई चिप बेचने से आपको जनरेट होंगे थ्री हंड्रेड मिलियन और इसकी जो कॉस्ट है वो है एट तो ट्वेल्व मिलियन मल्टीप्लाई नाइनटी सिक्स मिलियन सो दैट इज रेवेन्यू विच इज जनरेटेड थ्रू सेलिंग न्यू चिप इज थ्री हंड्रेड मिलियन एंड दैट इज कॉस्ट विच यू पुट Uh, on the new chip is 96 million. Now, uh, what you lose if you get this one? First of all, you are going to lose sales of 7 million, uh, which is related to old chips. So, old chip price is 20. So, 140 million you are going to lose, and cost saved of old chip and what was the cost of old chip is 6 per chip uh, so 7 million multiple of a 6 equals to 42 uh, if you lose the sales of 140 million related to old chip uh, then you will also save the cost of uh, uh, 42 million uh, when uh, you lose the sale of old chip जाहिर सी बात है कि वो चिप जिस वक्त सेल नहीं होगी पुरानी तो उसकी कॉस्ट भी आपको बच रही है तो अब सिंपल है कि कैश फ्लो जो है थ्री हंड्रेड मिलियन न्यू चिप का जनरेट होगा और ये आप लूज कर रहे हैं तो थ्री हंड्रेड मिलियन माइनस वन फोर्टी मिलियन ये तो हो गया रेवेन्यू, माइनस कॉस्ट नाइन्टी सिक्स माइनस फोर्टी टू और जिस वक्त आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 300 मिलियन माइनस वन मिलियन माइनस नाइनटी मिलियन प्लस फोर्टी मिलियन एंड योर कैश फ्लो विल बी 106 मिलियन आफ्टर दैट एग्जांपल नंबर फाइव द ओनर ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर शॉप फॉर कॉस्ट रेवेन्यूज ऑफ 160,000 सिक्सटी थाउजेंड आईर रेवेन्यूज वन वेरिएबल कॉस्ट विल बी फिफ्टी एंड रेंटल कॉस्ट दैट इज फिक्स कॉस्ट फॉर द शॉप आर थर्टी थाउजेंड आई ईयर Depreciation on the repair tools will be 10,000. Prepare an income statement for the shop based on these estimates. The tax rate is 35%. Very simple question. Uh, revenues are first of all 160,000. Uh, variable cost uh, 50,000 minus ojg Fixed cost that is rental cost is 30,000. Will also be subtracted. After that, we will subtract depreciation to so, 10,000 is depreciation, and after the subtraction of these three uh, out of your revenues, uh, your profit before tax is 70,000. And now apply the uh, tax rate, and that is 35%. So, 35% uh, of 70,000 is 24,500. So, after deduction, 24,500 out of 70,000, your profit after tax uh, or net profit is 45,500. यहाँ पे कैश फ्लो का नहीं पूछा जा रहा कि अगर कैश फ्लो का होता तो हम इस डेप्रिसिएशन को दोबारा से ऐड कर देते तो यहाँ पे जस्ट uh, क्या उसका नाम है पूछा गया है uh, आपका नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का तो यहाँ पे ट्राई टू सॉल्व फॉर कैश फ्लोज बाय ऑल थ्री मेथड्स डिस्कस्ड इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहाँ पे ये यह पूछा तो नहीं गया लेकिन Uh, ये आपके लिए बेटर है कि आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के तीनों मैथड इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें एग्जाम्पल नंबर सिक्स हाउस पेंटिंग थाउजेंड एंड एक्सपेंसिस ऑफ नाइन थाउजेंड देर आर नो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसिस हाउएवर द बिजनेस रिपोर्टेड द फॉलोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अकाउंट रिसीवेबल ट्वेल्व हंड्रेड बिगिनिंग में सेवन हंड्रेड इसके एंड के ऊपर है uh, और एंड ऑफ द ईयर जो अकाउंट रिसीवेबल है फोर्टी फाइव हंड्रेड और अकाउंट्स पेबल थ्री हंड्रेड इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ये यह, वो यहाँ पर uh, जो आपका वर्किंग कैपिटल जो है जो चेंज हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस की है वो अप्लाई करें और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें uh, सबसे पहले जो चेंज है वर्किंग कैपिटल की वो कैलकुलेट करें अगर वो चेंज पॉजिटिव है तो माइनस कर दें रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस और उसमें से माइनस कर दें और अगर वो चेंज नेगेटिव है तो ऐड कर दें और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर थर्टी थ्री हंड्रेड सो ट्राई बाय योरसेल्फ आफ्टर दैट देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पज and that is Laurels Lawn Care Limited has a new mover line and that can generate revenues of 120,000 per year and that is revenue for you uh, direct production cost are 40,000 and the fixed cost of maintaining the lawn mover factory are 15,000 that is your variable cost and that represents your fixed cost uh, to produce that lawn care uh, mover machine the factory originally cost 1 million एंड इज़ बींग डेप्रीसीटेड फॉर टैक्स परपज ओवर ट्वेंटी फाइव ईयरस यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रीसी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें वन मिलियन सलवेज वैल्यू ज़ीरो है तो डायरेक्टली वन मिलियन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आएगी एंड कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट इफ़ द फर्म्स टैक्स रेट पैकेट इज थर्टी फाइव परसेंट और इसके कैश फ्लोज़ को कैलकुलेट करें और तीनों मैथड से कैलकुलेट करें और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइव सिक्स टू फाइव जीरो एंड ट्राई इट बाय योर सेल्फ सो थैंक यू इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद न्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक थैंक यू